उत्तर प्रदेश के लोनी में गौ तस्करों और पुलिस के बीच हुई मुठभेड़ की घटना के चर्चे दिल्ली तक आ पहुंचे हैं, जिसमें कथित रूप से गौ तस्कर बताए गए कुछ युवकों को लोनी पुलिस ने अपनी बहादुरी और सटीक निशाने के बल पर हिरासत में ले लिया। और सटीक निशाने से हमारा मतलब उस एजेंडे से है जिसमें सरकार 2022 चुनाव से पहले अपने हिंदू वोट बैंक को सेफ रखना चाहती है, क्योंकि यूपी में इस बार चुनावी दंगल में मुस्लिम वोट कटवा पार्टियां भी शुमार होने वाली है। नमस्कार, मैं अनुराग सिंह और आप देख रहे हैं मीडिया दरबार। लोनी में गौ तस्करों और पुलिस के बीच मुठभेड़ हुई, जो किसी आम मुठभेड़ से थोड़ी अलग थी, क्योंकि इसके तहत उत्तर प्रदेश पुलिस का निशाना इतना सटीक हो गया है कि एक बड़ी मुठभेड़ के दौरान भी पुलिस की तरफ से चली गोलियां साथ के साथ कथित आरोपियों को ठीक एक ही जगह पर लगी। बताते हैं पूरा मामला, लेकिन उससे पहले देखिए हमारी एक छोटी सी रिपोर्ट। अक्सर आप सबने बॉलीवुड फिल्मों में देखा होगा कि कैसे एक पुलिस वाला जिसकी बंदूक की गोलियां कभी खत्म नहीं होती, बिना घायल हुए सभी दोषियों को ढेर कर देता है, जिसे हम रियल लाइफ की दुनिया कहकर टाल देते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि ऐसा हकीकत में भी होता है? दरअसल हम बात कर रहे हैं लोनी पुलिस के एक ऐसे कारनामे की, जिसमें पुलिस और कुछ कथित गौ तस्करों के बीच मुठभेड़ हुई। दोनों तरफ से गोलियां चली, लेकिन पुलिस की तरफ से जो गोली चली थी वो साथ के साथ बदमाशों के घुटने के नीचे एक ही जगह पर लगी और एक भी गोली पुलिस को ना छू सकी। कमाल की बात है ना कि ऐसे धुरंधर पुलिस वालों से अब तक हम अनजान थे। तो आइए इनके कारनामे की पूरी व्याख्या करते हैं। दरअसल गुरुवार को जनपद गाजियाबाद की लोनी पुलिस को एक सूचना मिलती है, जिसमें उन्हें गौ तस्करों के धंधे में लिप्त कुछ आरोपियों और उनके अड्डे की जानकारी मिलती है। तो सूचना पाकर पुलिस तुरंत सलीम पहलवान के गोदाम पर पहुंच जाती है। अब जैसा कि आप सब ने गोदाम का नाम सुना, तो कहीं ना कहीं आपको भी यकीन हो ही गया होगा कि जानकारी सच्ची थी। लेकिन पुलिस के वहां पहुंचते ही कथित आरोपी चौकन्ने हो गए, जिसके बाद काफी देर तक पुलिस और कथित आरोपियों के बीच मुठभेड़ हुई और इस मुठभेड़ में 7 आरोपी और एक पुलिस वाहन घायल हुआ। अब आप सोच रहे होंगे कि भला वाहन कैसे घायल हुआ, लेकिन हकीकत में सोचने वाली बात तो ये है कि मुठभेड़ में घायल हुए सभी आरोपियों को एक ही जगह घुटने के नीचे गोली आखिर कैसे लगी, जो थोड़ा संदेह भी खड़ा करता है कि आखिर पुलिस का निशाना इतना सटीक कैसे। वहीं पुलिस की इस कार्रवाई के बाद लोनी के सभी हिंदू संगठनों में खुशी की लहर है, जिसके बाद लोनी थाने के SHO राजेंद्र त्यागी के सम्मान में जमकर नारे भी लगे। लेकिन सवाल अब भी वही है कि क्या मुठभेड़ में शामिल पुलिस कर्मियों का निशाना इतना सटीक हो सकता है? अब इसकी हकीकत तो वही जाने। लेकिन पुलिस उन कथित आरोपियों के गौ तस्कर होने का दावा करने के बाद से चुप्पी साधे हुए है। वहीं जानकारी के अनुसार इस गौ कसी की सूचना देने वाले खुद सलीम पहलवान के बेटे आदिल थे, जिनके बड़े भाई से एक न्यूज एजेंसी ने बातचीत की। उस दौरान गौ कसी मामले की सूचना देने वाली बात को उन्होंने कबूला भी, लेकिन जब उनसे पूछा गया कि कैसे उन्हें पता चला कि वहां गौ कसी का अवैध धंधा चल रहा था, तो इस बात पर बोलने से वो भी कतराते नजर आए। अब संदेह थोड़ा और बढ़ गया। लेकिन जब जांच पड़ताल के लिए उस गोदाम के आसपास लोगों से पूछताछ की गई, तो उन्हें भी ऐसे किसी काम की कोई जानकारी नहीं थी। बहरहाल हम कुछ कह तो नहीं सकते, लेकिन आरोप कहीं ना कहीं फीके पड़ते दिखाई दिए। अब बात करें हिंदू संगठनों की, तो उनमें खुशी के साथ साथ थोड़ा गुस्सा भी था, क्योंकि उनका कहना था कि पुलिस गोदाम मालिक आदिल को बचाने की कोशिश कर रही है। वहीं खुश इसलिए भी थे कि गौ कसी के मामले में पुलिस ने अपने सटीक निशाने के बल पर इतनी बड़ी मुठभेड़ को अंजाम दिया, जिसमें सभी 7 आरोपियों के घुटने में गोली लगी। गौरतलब है कि 7 आरोपियों के घुटने, तो मेरा मतलब है आरोपी तो घायल हुए, लेकिन 2 आरोपी अब भी फरार हैं, जिनकी तलाश में पुलिस जुट गई है। अब इस पर हम तो कुछ कह नहीं सकते, लेकिन देखना होगा कि 2022 चुनाव से पहले और कितने गौ तस्करों का इसी तरह से पर्दाफाश होता है। साथ ही ये भी देखा जाएगा कि 2022 विधानसभा चुनाव से पहले इतना सटीक निशाना लगाने वाली पुलिस को सरकार की तरफ से क्या इनाम मिलता है। फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में बस इतना ही। अन्य सभी खबरों के लिए जुड़े रहिए मीडिया दरबार के साथ। धन्यवाद।